दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से। आज हम आए हैं हैंड फार्म में, जहाँ से मैं अपने मरीजों के लिए काफी सारी हैंड से लेकर आ जाऊंगा। यहाँ से देखे कितनी सारी हैंड है, मेरे पीछे लाखों की तादाद में हैंड खड़ी हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ भी है, चिक्सिंग है, मतलब बहुत प्यारे बहुत खूबसूरत हैं। ये देखो बीच में व्हाइट कलर के हैं, बीच में व्हाइट एंड ब्लैक है, ब्राउन है, बहुत है। और इन्होंने अच्छा इंतजाम किया हुआ है, देखो पानी वाला ये इलेक्ट्रिक वायर आ रही है जिसकी वजह से इनको पानी मिल रहा है। वो सामने इनके दाने वाला लटकाया हुआ है जिसके नीचे खा लो। बहुत तादाद में यहाँ पर ये हैंड चिक्स खेल रहे हैं, इनके लिए नीचे डाला हुआ है जिसमें ये खेलते हुए देखो खेल के उठे अपने आप को। झाड़ बहुत खूबसूरत लगे हैं। आओ मैं आपको शायद दिखाता हूँ, ये इनके लिए हर एक एक जगह पे दाना पानी का सिस्टम। अंकल का फार्म है, जिस भी भाई को मुर्गियां चाहिए, गोल्डन मिर्ची हैं, चूचा चूचियां जो भी चाहिए आपको, मुझे कमेंट में मेरे से रब्ता करें और मुझे सब्सक्राइब करें। आपको मैं बहुत ही कम और मुनासिब कीमत पे ले दूंगा। देखें यहाँ पर गोल्डन मिर्ची हैं, काफी सारे चूजे और चूचियां, ये बहुत प्यारे कलर की है। इनमें ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, ब्लैक एंड व्हाइट कलर, बहुत मुख्तलिफ कलर है। मेरे अंकल ने इनके लिए बहुत अच्छा सिस्टम किया हुआ है। इनकी खुराक हर टाइम इनके आगे पड़ी होती है, बहुत ही तादाद में ये यहाँ पर फिर रहे हैं। इनके लिए नीचे मट्टी रखी हुई है जिसमें ये खेल के फिर साफ होकर दाना पानी खाते हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं ये अपनी जिंदगी को। इधर खुला इनको माहौल दिए हुए। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊं, जू में कभी नहीं मैंने ये देखा कि लोग जो बीमार परिंदा होता है उसे अलग कर दे। यहाँ पर मेरे अंकल के फार्म में ये होता है कोई बीमार परिंदा होता है उसको अलग कर देते हैं, क्योंकि वो जो सारे सही परिंदे हैं उनको अलग बीमार कर दे। अंकल के यहाँ पर तीन सेटअप है लाहौर के पास। यहाँ पर आपको देसी मुर्गियाँ भी मिलेंगी और फैंसी मुर्गियाँ भी मिलेंगी। आपको यहाँ पर हर नस्ल की मुर्गियाँ मिलेंगी। देसी में अगर बात करें तो आपको देसी की नस्ल में गोल्डन मिश्री मुर्गी मिलेगी। अपने घरों में पालने के लिए हैं चाहिए जो बहुत खूबसूरत हो तो फैंसी में आती है। और फैंसी में बताता हूँ आपको कौन कौन सी मिलेगी। आपको इंग्लिश गेम मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया मिलेगी, लाइट सोसिक मिलेगी, और वो सिल्वर स्प्राइट बहुत कमाल मुर्गी होती है वो मिलेगी, और उसी की नस्ल गोल्डन स्प्राइट वो भी इंतहा खूबसूरत होती वो भी मिलेगी। आप जो फेरी वालों से बहुत महंगी महंगी हैंड ले लेते हो, फेरी वाले का मतलब ये कि जो आपकी गलियों में चक्कर लगा रहे होते मुर्गियां लेके, उनसे आप बहुत मुर्गियां महंगी महंगी ले लेते हो। आप मेरे से रब्ता करें और मेरे अंकल के फार्म में है, वहाँ पर आपको मैं बहुत ही मुनासिब कीमत की मुर्गियां ले दूंगा। यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा इंक्यूबेटर लगे हुए, 6 से 7 इंक्यूबेटर लगे हुए जिसमें हजारों की तादाद में अंडे रखे होते हैं जिसमें से चूजे निकलते हैं। वो 3 महीने उनको पालते हैं और उसके बाद मेरे अंकल इस फार्म में ले आते हैं उन्हें बेचने के लिए, क्योंकि 3 महीने बाद वो एग्स पे आ जाए, इसी वजह से वो 3 महीना पाल के इधर ले आते हैं। यहाँ पर आपको बहुत मुनासिब कीमत की और हर हैन मिलेगी। अंकल के 4 फार्म विजिट किए हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े इंक्यूबेटर लगे हुए हैं। अंकल की मैंने सारी चूचियां और जो चूचे मैंने देखे सारे बहुत हेल्दी है और बहुत एक्टिव है। कि मैं आपको एक फायदे की बात बताता हूँ, फायदा आपको किस चीज में, जो आप दुकान से एग्स लेते हो फार्मी वो आपको मिलते 25 तक के, सर्दियों में और महंगे हो जाते। आप इधर आओ, हैंड्स लो, बहुत मुनासिब कीमत में मिलेंगी और उनसे फिर वो थोड़े दिनों बाद एग्स देंगी। वो सर्दियों में कौन से खाना, क्योंकि सर्दियों में बहुत ही एग्स ऊपर चले जाएंगे, बहुत कीमत ऊपर जाएगी उनकी। अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हैं, मैं आपको बहुत ही ज्यादा तादाद में और बहुत ही सस्ते दामों में आपको मैं ये सारी हैंड्स, जितनी भी हैंड्स आपको चाहिए मैं ले दूंगा। तो आप इसका बिजनेस करें, सर्दियों में इसके एग्स बेचे, दुकानों पर बेचे, घर बैठ के खुद खाए, बच्चों को खिलाए और बिजनेस करें इसका। बहुत ही इनकी पैदावार होती, फार्म खोले इनका और उसमें भी बेचे तो बहुत। अब अली भाई आपको बताते हैं कि इंक्यूबेटर से जब चूजा निकलता है उसके बाद वो 6 महीने बाद एग्स देता है, और उसके बाद सारा जितना भी तरीकेकार है वो सारा अली भाई आपको बताएंगे। दोस्तों इस प्रोसेस में हम सबसे पहले एग्स चेक करते हैं कि फर्टाइल है कि नहीं फर्टाइल। जब जो एग्स फर्टाइल होते हैं उनको हम इंक्यूबेटिंग करते हैं, उनको इंक्यूबेटर में लगाते हैं। पहले 18 दिन होंगी हम ह्यूमिडिटी 50 से 40 तक रखते हैं, और एंड के जो उनसे 4 दिन होते हैं, क्योंकि 21 से 22 दिन में चूजा निकल आता है इंक्यूबेटर से, तो उसमें हम उनकी ह्यूमिडिटी का लेवल 70 से 80 तक कर देते हैं, जिसमें हमें टेम्परेचर भी मेंटेन करना होता है और ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करनी होती है। जब एक चूजा 22 दिन बाद निकल आता है तो उसको हम ब्रूडर में शिफ्ट कर देते हैं। ब्रूडर में 10 दिन रहने के बाद चूजा इस काबिल हो जाता है कि वो बाहर के एनवायरमेंट में रह सके, तो उसको हम फिर केजेस में ट्रांसफर कर देते हैं। जब वो चूजा
केजेस में ट्रांसफर हो जाता है तो 3 महीने तक हम उस चूजे को रखते हैं और फिर उसको सेल करना शुरू करते हैं। तो नंबर वन, हमने एग्स सेग्रीगेट कर लिए हैं। जो एग फर्टाइल होते हैं उनमें से बच्चा निकलता है, जो फर्टाइल नहीं होते उनमें से बच्चा नहीं निकलता। तो दोस्तों, इंक्यूबेटर 2 टाइप्स के होते हैं, एक ऑटो होता है और एक मैनुअल होता है। अगर आपके पास ऑटो है फिर तो आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो सारे काम खुद ही करता है। वो रोटेट एग्स भी खुद ही करता है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर भी मेंटेन खुद ही रखता है। उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है एज ए मैनुअल। मैनुअल इंक्यूबेटर में आपको सब चीजें खुद ही करनी होती हैं, जिसमें से पहले 17 दिनों आपको टेम्परेचर रखना होता है 37 से लेकर 36 तक, और ह्यूमिडिटी आपको रखनी होती है 55 to 65। जबकि एंड वाले 4 दिनों में, क्योंकि 22 से 21 दिनों में बच्चा निकल आता है, 17 दिनों के बाद 22 दिनों तक आपको ह्यूमिडिटी लेवल 80 to 70 करना पड़ता है, क्योंकि एग की जो शील्ड होती है वो नरम हो सके और उससे बच्चा इजीली बाहर आ सके। मैनुअल इंक्यूबेटर में आपको एक दिन में 3 to 4 times एग रोटेट करने होते हैं, जबकि ऑटो ये काम खुद ही करता है। बेटर से बच्चा बाहर निकलने के बाद उसकी डीवॉर्मिंग की जाती है, जिसमें उनको गुड़ वाला पानी पिलाया जाता है। अगर गुड़ वाला पानी नहीं है तो चीनी वाला पानी पिला दे, की वजह से उनका इंटरनल साफ हो जाता है और उनको किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। डीवॉर्मिंग के बाद हम उनकी वैक्सीनेशन करते हैं। अब मैं आपको इसकी वैक्सीनेशन की डिटेल देता हूँ कि इनको कैसे वैक्सीनेशन करनी होती है। इनको day 1 से लेकर day 96 तक वैक्सीनेशन होती है, जिसकी वजह से ये इनको कोई बीमारी नहीं आती। तो अब आप गौर से सुन लें कि कौन कौन सी होती है। day 1 में इनको IBH 120 होती है, जो कि आई ड्रॉप होता है और स्प्रे होता है, जिसकी वजह से इनकी आंखें खराब नहीं होती। day 5 में इनको ND Lasota की होती है, वो भी आई ड्रॉप ही होती है। day 9 को इनकी IBD Intermediate होती है। day 16 को इनकी IBD+ होती है। day 20 को इनकी H5 वैक्सीन होती है। day 23 को इनकी ND Lasota की जाती है, जिसके बाद इनको day 28 को IBH 120 की जाती है। उसके बाद day 35 को इनको फाउल पॉक्स की वैक्सीन की जाती है, जबकि day 50 को इनको H5 की वैक्सीन की जाती है। day 55 को ND+H9 किल्ड ND Lasota लाइव की वैक्सीन इनको की जाती है, जबकि day 70 को IB वेरिएंट की जाती है। day 95 को ND IBDS वैक्सीन की जाती है, जबकि day 8 आखिरी जो दिन है उसको ND+IB लाइव की वैक्सीन की जाती है।